Okay, thank you. So yes, 12th and 13th verse, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. So we'll recite together. परम ब्रह्म अर्जुन उवाच. परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम. Continuing with the 13th verse. आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदास्तथा असि तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. ओके सो यस स्क्रीन शेयर रन कर सकते हैं मानी जी. सो नाउ इस श्लोक का अर्थ क्या है, क्या है इस श्लोक का अर्थ. अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहे हैं, अभी तक भगवान कह रहे थे, अब अर्जुन is taking over. Now he wants to speak. So Arjun क्या कहते हैं, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं. ओके सो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं खत्म हो चुकी है. ठीक है, एंड उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया है. आप सबने किया है कि नहीं, चतुश्लोकी भगवत गीता समझ के आप सबने किया है कि नहीं, है ना. सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे क्या रिवील हो रहा है कि अगर किसी ने आपको कहा कि ज्यादा टाइम नहीं है जल्दी समझाओ, तो हमको क्या करना है, बस चार श्लोक उनको बता देना है कि एग्जैक्टली भगवान क्या चाहते हैं. सो कृष्ण अर्जुन को समझ में आ गया है कि कृष्ण क्या है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. This is a small request to the leaders कि आप please group में लिख दो, because almost every day YouTube में live होता है, it is already 100 participants और कोई join नहीं कर सकता, so just mention them that it will be uploaded later, live नहीं हो पाएगा. So now this श्लोक is very important, why? Because अर्जुन यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं and और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम समझते हैं धीरे धीरे. सो पहले अर्जुन क्या बोल रहे हैं, आप परम सत्य हो, यू आर द सुप्रीम ट्रुथ, आप परम सत्य हो, परम धाम हो, जिसका हम सब आश्रय लेते हैं. ठीक है, लेते हैं. और पवित्रम, आप से जो जुड़ जाता है आप सब कुछ पवित्र कर देते हैं. यू नो हम सब भी भगवान से जुड़े हुए हैं, हम सब, हमारा सबका जीवन, ये खुद आप अनुभव कर सकते हो हम क्या थे. ऑफ कोर्स आप सब यंग हो, बट आई कैन ऑफ कोर्स रियलाइज, यू नो आजकल तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता नहीं बचपन से ही सब छोटे छोटे बच्चों के आए. अभी मैं मेरी कजन थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि ये दो छोटे बच्चे हमारे घर के ही थे एंड ये बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो कल मुझसे बात नहीं की. अब ज्यादा हैरानी नहीं लगेगी कि ठीक है मतभेद तो होता ही रहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, बट शॉकिंग इसलिए था क्योंकि जो लड़का था जो जिसकी बात कर रहे थे वो स्टैंडर्ड 1 में है. ओके और वो लड़की भी 1 में. सो दिस इज द यू नो सिचुएशन. सो ऑफ कोर्स हम कब यंग है कब हम ज्यादा मच्योर हो जाते हैं हमें खुद को ही नहीं पता है. So yes, we can understand हम क्या थे, है ना, before coming to भक्ति. हम जब भक्ति से जुड़े, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़े, कृष्ण भक्ति में लगे, हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं,
राइट, वी ऑल एक्सपीरियंस दैट. ठीक है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, हम सबको पता है हम क्या थे, कितने पानी में थे और हम आज कितने ज्यादा प्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं. सो यू नो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जब व्यक्ति धोती कुर्ते कुर्ते में और कंठी और तिलक है माथे में, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वैकुंठ से आया है, मानो वैकुंठ से कोई साक्षात चल के आ रहा है. सो जस्ट इमेजिन श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है. हम इस भौतिक जगत में हम अनुभव कर सकते हैं कि ओ माय गॉड, हम मतलब हम वैकुंठ के वासी लगते हैं. सच है, ये सच है, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है. सो यही प्रभुपाद समझाते हैं. एंड He also says कि शास्त्र बताता है, इनफैक्ट शास्त्र बताता है कि कैसे अगर आप इस अवस्था में हो, यू नो यू आर इन प्रॉपर वैष्णव क्लोथ्स में, आपने तिलक धारण कर रखा, गले में कंठी है, आप जप करते हुए, कभी कभी रास्ते में आपने देखा होगा, तो कभी वॉक कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमने देखा कभी डिवोटीज पास थ्रू करते हैं. सो शास्त्र कहता है कि अगर इस रूप का कोई दर्शन भी कर लेता है, शास्त्र कह रहा है okay? इस रूप का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है ऐसे व्यक्ति का जिसने वैष्णव कपड़े में एंड तिलक धारण करके कंठी एंड हाथ में जप करते हुए जा रहा है, इसका केवल दर्शन मात्र से सामने का व्यक्ति पवित्र हो जाता है. दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस तिलक. ये ऐसे ही कुछ ऐसे ही नहीं है बस लगा लिया ऐसे कोई, जैसे आजकल टैटू वैटूज करते हैं ना, यहाँ वहां पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे लोग टैटूज लगाते रहते करते रहते हैं. So it is not like that. So ये पवित्र करने वाला सुंदर तिलक है हमारा. So ये हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है. So ये क्या कह रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं कि आपका दर्शन जो है वो पवित्र करने वाला है. आगे कहते हैं अर्जुन कि आप आदि पुरुष हो, ये तो हमको पता ही है, भगवान ब्रह्मा स्वयं कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, आप कभी नष्ट नहीं होते, आप आदि हो, आपका कोई अंत नहीं है ना आपका कोई शुरुआत है, आप शाश्वत हो, आप इस भौतिक जगत के नहीं हो, आप दिव्यम हो, आप दिव्य हो, एंड आप अजन्मे हो, अजन्मे हो, आपका कोई जन्म नहीं है. यस एज आई सेड दैट इज नॉट लाइफ बिकॉज कुछ इशू है मांगी माता जी, सो इट विल बी अपलोडेड लेटर ऑन, प्लीज मेंशन इट. सो आप विभु हो अर्थात सबसे बड़ा, और हम क्या है, हम अनु हैं. सो ये अर्जुन बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान को. एंड इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अर्जुन भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप कितने महान हो. नो गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट ही इज, आप भक्त के मुख से सुने अर्जुन बता रहे हैं. सो अभी सुनने में ऐसा लग सकता है कि अरे ठीक है ना, दो दोस्त हैं, कृष्णा अर्जुन क्या है, दोस्त है ना, दो दोस्त है तो बैठे हैं तो एक दूसरे की तारीफ कर दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी करते हैं ना, वो गाना है ना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, बहुत फेमस है आजकल तो हर, मतलब मैंने तो अभी सुना और जहां पे भी देखती हूँ सब ऐसे बोलते है इस अपने क्या संगीत में ना, ये इस गाने पे डांस करेंगे फ्रेंड्स स्पेशल. सो ये हो ही सकता है, ऐसा लग सकता है कि दो दोस्त बैठे हैं और टाइम पास करने के लिए बस एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं मजे में. बट अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज ऐसी शंखा इस कलयुग के जीवों के दिमाग में आ सकती है ना, हम तो कलयुग के जीव है ऐसा सोच सकते हैं. सो जस्ट सी हाउ इंटेलिजेंटली ही इज स्टेटिंग द नेक्स्ट श्लोका. क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि देवर्षि नारद तथा असित देवलो व्यास इसकी पुष्टि करते हैं. मैं ही केवल नहीं बोल रहा हूं, कौन इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कौन सैंक्शन कर रहा है, नारद मुनि, व्यासदेव, असित देवल जैसे ऋषि मुनि इसको सैंक्शन कर रहे हैं. या आप जैसा याराना आप लोगों को लगा, हम तो मतलब दोस्तों कभी भी ऐसे दुखी पड़े रहते हैं, सामने वाले ने कहा चल साथ में बैठ के पीते हैं, तेरे जैसा दोस्त सच में कोई नहीं हो सकता, काहे का दोस्त हो, तो हमको पता ही क्या दोस्ती वो कर रहा है, दोनों एक कुएं में गिर रहे हैं और कुछ नहीं.
बट हु इज सैंक्शनिंग हियर, उस दोस्ती को कौन सैंक्शन कर रहा है? कोई नहीं ना. बट यहाँ पे अर्जुन इज स्टेटिंग कि यू आर वंडरफुल, भगवान आप ग्रेट हो. एंड कौन कह रहा है? ऐसे ऐसे नारद मुनि असित देवल ये सब भी इसको सैंक्शन कर रहे. केवल मैं नहीं कह रहा है, कह रहा हूं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट लाइन में एंड में क्या है? स्वयं चैव ब्रवीषि मे, मतलब आप स्वयं भी इसको मुझे अब कह रहे हो, आप स्वयं भी इसको मुझे अब बता रहे हो. अर्जुन ये कहते हैं. सो नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज भगवान को समझने के लिए तीन प्रमाण की जरूरत होती है. ठीक है, क्या है वो प्रमाण? शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण. राइट. सो क्या है शब्द प्रमाण? हम किसको कहते हैं? शास्त्र को कहते हैं. सो यहाँ पे कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं. सो यहाँ पे अर्जुन इज doing a very wonderful thing by stating these three प्रमाण. क्या भगवान ने क्या कहा लास्ट में? वो खुद बोल रहे हैं स्वयं चैव, अर्थात आप खुद भी इसको मुझे बता रहे हो. अर्थात क्या हो गया ये? शब्द प्रमाण, शास्त्र, भगवान की वाणी है ये शब्द प्रमाण. सेकेंड ही इज सेइंग अनुमान, फर्स्ट वाले जो फर्स्ट टू श्लोकास के जो लाइन है, परम ब्रह्मा परम धामा. सो नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट इज हिज अनुमान प्रमाण. मतलब आप जब पढ़ते हो, आप जब शास्त्र सुनते हो, एंड देन यू कम अप विद योर लॉजिक, यस दिस इज राइट, हाँ ये सही है. आप समझते हो अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, बुद्धि से समझने की कोशिश करते हो, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन, यस दिस इज राइट. सो अर्जुन ने पहले श्लोक के दो लाइन में अर्जुन ने अनुमान प्रमाण बताया. लास्ट में ही सेइंग शब्द प्रमाण, एंड देन प्रत्यक्ष, अर्थात गुरु भी इसको स्वीकार कर रहे हैं. कौन? नारद, देवल एंड इन सबका जो नाम लिया है, व्यास, असित, इन सबका. सो ये तीन प्रमाण. सो ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करना. इन तीन प्रमाण के साथ अर्जुन इज पुटिंग अप दिस स्टेटमेंट. सो ऐसे ही बस टाइम पास के लिए नहीं बोल रहे हैं अर्जुन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो ये सब चीजों के बारे में भगवान की व्याख्या करते हुए, आप अनंत हो, आपका कोई अंत नहीं है, आपकी कोई तोड़ नहीं है, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो. सो मतलब इस तरह से भगवान का गुणगान करते हुए आगे भी वो बोलते हैं, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है, नेक्स्ट श्लोक में, उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ. हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं. दिस इज अगेन अ कनेक्शन, समझिए इसको. अब जो ये तीन प्रमाणों की मैंने आपसे बात कही, शब्द, प्रत्यक्ष एंड अनुमान, उसमें से विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन एनीबॉडी राइट एंड टेल मी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? शब्द, राइट, राजप्रभु. एंड ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, अर्जुन तक इसको समझ के, व्हाट ही इज राइटिंग, सी मैंने भी आपको क्या बोला कि शब्द प्रमाण क्या था इसमें, जब भगवान स्वयं इसको मुझसे कह रहे हैं, अर्जुन इज सेइंग आप स्वयं भी इसको मुझे कह रहे हो, दैट इज शास्त्र प्रमाण. सो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका में ही अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं. मतलब जो शब्द प्रमाण, जो भगवान की वाणी है, बाकी सब के बारे में सोचा नहीं अर्जुन ने. गुरु ने कहा तो मैं इसको मान रहा हूं, या मेरे लॉजिक से जो मैं समझा उसको इसलिए मैं मान रहा हूं. व्हाट ही इज सेइंग, आपने मुझसे जो कुछ कहा, शब्द प्रमाण, आपकी वाणी पे मैं विश्वास करके इसको पूर्णतया सत्य मानता हूं. शब्द प्रमाण की प्रायोरिटी को यहाँ पे अर्जुन दर्शा रहे हैं. ऑलवेज रिमेम्बर, शास्त्र या भगवान की वाणी ये सबसे टॉप मोस्ट है, एंड बाकी जो है अनुमान और प्रत्यक्ष ये इसके अंडर है. ओके, सो पूर्णतया सत्य मानता हूँ, हे प्रभु ना तो देवता गण ना असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं.
सो दिस इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वान क्या उनका क्या कहना. सो जब देवतागण नहीं समझ सकते तो हम जैसे ठल्ले और ये जो साइंटिस्ट इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स रिसर्च ये सब लेके बैठते हैं, इनका इनका क्या कहना. ट्रेन से अभी आप कभी ट्रैवल करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा टॉपिक ही छिड़ता है. मतलब स्पेशली जब मैं ट्रैवल करती हूँ कलकत्ता के साइड में, तो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है, सब एकदम घेर के बैठ जाएंगे सीट में एंड फिर घंटों तक, जब तक स्टेशन नहीं आ जाता तब तक एक दो घंटे तक दिल डिस्कस, एक के बाद आर्ग्यूमेंट. एक एथिस्ट, एक साइड में एथिस्ट बैठेंगे, एक साइड में भगवान के भक्त बैठेंगे एंड दे आर्ग्यू. यानी क्या मजा आता है. सो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना, क्यों ऐसा कह रहे हैं. असुरों की तो बात छोड़ दो, असुरों की तो बात ही छोड़ दो. सिर्फ भगवान को किसी ने चैलेंज अगर किया, ऐसा हुआ नहीं है कि वो चैलेंज टूटा नहीं. सी द एग्जाम्पल ऑफ रावण, सी द एग्जाम्पल ऑफ हिरण्यकशिपु, ये सब ने भगवान को चैलेंज किया था, फिर क्या हुआ, उनका अंत हुआ. सो ये आए और ये गए, इनका एक आदि था और इनका एक अंत भी हुआ. दे वर सो पावरफुल, इतने मतलब इतना ज्यादा शक्ति, ब्रह्मा ने उनको क्या नहीं दिया शक्ति, क्या मतलब उनको ऐसा लगा कि अमर ही बन गया, सबको ऐसा लगा अमर बन गए, तो सब कुछ तो मांग लिया, बट उनका भी अंत हुआ. नरसिंह देव ने उनका अंत किया, राम जी ने उनका अंत किया रावण का. सो इन सब का एक आदि और एक अंत है, बट भगवान का तो कोई आदि अंत नहीं है. सो अर्जुन यहाँ पे ही इज जस्ट रिकन्फर्मिंग, मतलब होता है ना आप सुनते हो कुछ बात एंड वापस से आप बोलते हो हाँ वो जो बोला था ना एकदम सही है सही. सो ही इज जस्ट रिकन्फर्मिंग कि आप भगवान कितने महान हो और हम ये एक्सेप्ट करते हैं. सो भगवान की महानता का तो कोई गुणगान है ही नहीं. ये कथा एक कथा है ऐसे, जहाँ पे बताते हैं कि श्री रंगम में एक व्यक्ति एक बार पहुंचा एंड बहुत देर तक खड़ा रहा पर उसे दर्शन नहीं हुए भगवान के. क्या रीजन होगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकता है. बहुत भीड़ थी इसलिए दर्शन नहीं मिला. यही होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना लोग, कंप्लेन करते हैं यार इतनी भीड़ थी, माथा खराब हो गया, दर्शन लिए बिना ही आ गए हम तो, है ना. इस ये कारण हो सकता है, या तो दूसरा कारण दर्शन बंद हो गए होंगे, पॉसिबल. ये दो थे अहंकार, नो ही वाज अ डिवोटी, भक्त था, भगवान के दर्शन लेने गए थे, भक्त था. ऑफकोर्स आई एम टेलिंग भक्त नहीं थे, नहीं भक्त था, दर्शन लेने गए पर दर्शन नहीं हो पाए. क्या कारण हो सकता है, दर्शन खुले थे और कोई भीड़ नहीं था, वो अकेला खड़ा था. बट हुआ क्या पता है, उसने भगवान के नीचे क्या होता है, भगवान के पादुकाएं रखी रहती हैं. नीचे क्या रखी रहती है, भगवान की पादुका. उसके नजरे पादुकाओं पे गई, वही खड़े खड़े हजार श्लोक, हाउ मेनी थाउजेंड श्लोकास ही रिसाइटेड जस्ट सीइंग द पादुका ऑफ श्री रंगम, लॉर्ड रंगनाथ के. सिर्फ केवल पादुकाओं को देख के हजार श्लोक उन्होंने वहीं पे लिख डाले, बोल डाले एंड देन उसमें ही घंटे निकल गए यार. फिर तो दर्शन बंद होंगे ना. तो उसमें जस्ट सी, आई मीन वी कैन नॉट इवन इमेजिन, हम सोच नहीं सकते. हम देखते हैं कभी कभी मंदिर में लोग आते हैं, कोई भी मतलब आते हैं, कभी कभी मैं देख मतलब पीछे बैठ के मैं कभी कभी चैंटिंग करता हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है लोग आते हैं ऐसे आर्किटेक्चर एंड उसका डिजाइन एंड टेम्पल के या लोगों के साड़ी देखने में या लोग क्या पहने हैं दूसरों को देखने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यहाँ पे भगवान है, गौड़ निताई है, यहाँ पे अपने राधा गोविंद जी है, श्रीनाथ जी है, यहाँ पे राम लक्ष्मण हनुमान है, एंड दे जस्ट उधर ही देखने में इतना बिजी कि यहाँ से कब निकल जाते हैं, हाथ में चढ़ना मत लिया ना निकल गए. आप आए क्यों थे मंदिर, दर्शन करने ना, और आप बस निकल गए. या यस सेल्फी, ओ माय गॉड
सेल्फी तो मुझे समझ में नहीं आता, वो कोई भगवान को देखने आते हैं या भगवान को खुद का दर्शन देने आते हैं, समझ नहीं आता कि चलो आज आपको भी मौका दे देते हैं, चलो भगवान जी आप भी क्या याद रखोगे, चलो मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, ऐसा होता है ना हम बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करते हैं। सो एनीवेज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज ये भक्तों की अवस्था है, ये भक्तों की अवस्था है। भगवान कितने महान है हम सोच नहीं सकते हैं, एंड भक्तों का प्रेम है ये, किस तरह से वो अपना प्रेम दर्शाते हैं, एंड इसलिए दैट इज व्हाई ये कब होता है, ये कब होता है जब भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान को वही समझ सकता है जिसको भगवान ने अपनी कृपा कृपा दी है, राइट। कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई 16th श्लोका में अर्जुन इज सेइंग कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, जो विभूतियों के बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। सो कृपा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। And then he is saying in 17 श्लोका, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। सो किन किन रूपों में किया जाए ना, हो अब सुनने में ऐसा लगेगा कि यार 7 चैप्टर 9 चैप्टर हमने हम पढ़ चुके हैं, वहां पे ऑलरेडी भगवान बता रहे हैं कि कैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं औषधियाँ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। He has already given a brief description. I'm everything. But again he's asking, again Arjuna is asking, why? Why? See, he is also accepting it कि मुझे पता है। See, 18 श्लोका में he's saying, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। What is he saying? आप पुनः, please repeat it again. अब वापस बोल दो, होता है ना? वापस एक बार वापस क्या सुना नहीं, वापस बोलना? नहीं, but he knows, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, but पुनः पुनः आप विस्तार से थोड़ा डिटेल में आप बताओ, क्योंकि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, कभी तृप्त नहीं होता हूँ। अब सुनने में ये लगता है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, भक्त तो तृप्त हो जाते हैं, भक्तों का क्या है, भक्तों का क्या है, भक्त तो हर चीज में सेटिस्फाइड फील करते हैं ना। हमें शुद्ध भक्तों की बात कर रही हो कि हमें तो अगर प्रसाद के टाइम पे अगर गुलाब जामुन नहीं मिला या एक्स्ट्रा नहीं दिया तो हमें तो नेक्स्ट टाइम हम शायद प्रसाद ही ना ले, या वो व्यक्ति से प्रसाद ना ले जिसने मुझे थोड़ा सा कम मोनथार दिया है, पूरा पीस मुझे नहीं मिला किसी और को मिला है, हम उससे तो नहीं मिले, है ना। बट यहाँ पे भगवान के भक्त कैसे हुए, दे आर ऑलवेज सैटिस्फाइड, डज नॉट मैटर कुछ मिला, एक एक रोटी मिली, चार रोटी मिली, पूरी मिली, घी में तली हुई पूरी मिली या सरसों तेल में पतली हुई पूरी मिली, वी आर फाइन विद एवरीथिंग, हमें बस प्रसाद मिला है, वी आर हैप्पी एंड वी जस्ट गो। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिवोटीज। बट यहाँ पे तृप्त नहीं होता हूं, किससे तृप्त नहीं होता हूं, भगवान के कथाओं से, आपके बारे में बस लगता है सुनते जाए सुनते जाए। सो भगवान की जो कथाएं हैं इससे तृप्त नहीं होता हूं, इसके बारे में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो लोभ है, ये जो ग्रीड है, और सुनना भगवान के विषय में, ये लोभ अच्छा है और यही लोभ है जो आपको शुद्ध करके बैक टू गॉडहेड ले जाएगा, ये ग्रीड अच्छा है, बाकी ग्रीड अच्छा नहीं, दिस ग्रीड इज गुड, रूप गोस्वामी इज से। सो रुचि इस और इसके लिए क्या चाहिए, कृपा चाहिए, एंड कृपा से क्या होता है, कृपा से आप में रुचि बढ़ेगी सुनने की, भगवान के बारे में और सुनने की रुचि बढ़ेगी, विस्तार में सुना है बट नाउ वी वांट मोर डिटेल। आजकल तो लोग टाइप करते हैं ना भगवत गीता इन 2 मिनट्स, मैगी है क्या, है मैगी है क्या जो 2 मिनट में मिलेगा, पर व्हाट डू यू वांट, भगवत गीता इन 2 मिनट्स कुछ भी मतलब
मैगी बना के खा लो यार. बट सी एंड सी डिवोटीज इन कृष्णा बंधु हम जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट कुछ समय के बाद, ऑफकोर्स 2 साल हो जाएंगे. ऑफकोर्स हमारा टारगेट है कि हम 2 साल में कंप्लीट करें भगवद गीता, विच इज फाइन. वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज हम डिटेल में सुनना चाहते हैं, नॉट इन 2 मिनट्स. 2 ईयर्स, यस 2 ईयर्स तक सुनेंगे. सो ये हम क्या है, हम डिटेल में सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. ये हमें कब आएगा, रुचि कब आएगा, जब हम सेवा करेंगे. सेवा, सब कुछ खत्म है सेवा में. ये चतुश्लोकी भगवद गीता क्या समझाया, क्या समझ में आया आपको चतुश्लोकी भगवद गीता में? व्हाट इज कृष्णा सेइंग? अल्टीमेटली ही इज सेइंग, जो भी है प्रेम करो मुझसे, प्रेम करो, सब कुछ समझ लो मेरे बारे में, पर समझ के क्या करना है, प्रेम करना है, सेवा करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमको समझना है. सो मैं थोड़ा आगे ही बढ़ गई श्लोका श्लोका के साथ. ओके, सो यस सो नाउ वापस आ जाती हूँ मैं थोड़ा 14th श्लोक में ही. यहाँ पे जो वही बता रहे हैं भगवान कि मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं, आपने जो कुछ कहा है वो मैं पूर्णतः सत्मात हूँ. एंड देवता गण नासुर गण, आपको कुछ कोई समझ नहीं पाते तो हमारी क्या बात. सी देवता गण क्यों नहीं, असुर का तो छोड़ ही दो, वो नहीं समझना चाहते बिकॉज नाम ही है ना असुर. बट देवता, देवता तो मानते हैं ना भगवान को, बट वो भी विमोहित हो जाते हैं. हुए थे ना ब्रह्म विमोहर लीला, ब्रह्म विमोहर लीला, विमोहित हो गए थे, समझ नहीं पाए कि क्या ये भगवान ही है. इंद्र विमोहित हुए थे ना. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये समझना है कि जो भी है कभी कभी भगवान भी विमोहित हो जाते हैं. आई वॉज हियरिंग वन लेक्चर, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से समझाया प्रभु जी ने. ही वॉज सेइंग कि you know this devote devtagan jo ye jo devi devta hai inko aap you all know na samudra manthan leela jo hui thi. samudra manthan leela mein kya hua tha, kya nikla tha ultimately? amrit. amrit kisko mila? devtaon ko mil gaya ultimately. the conclusion was devtaon ne amrit ka paan kar liya. mohini avatar aayi and phir devtaon ko sab amrit diya gaya tha. then what, amrit peene ke baad kya hota hai? क्यों उनको चाहिए था, असुरों को अमृत क्यों चाहिए था? क्योंकि उनको अमर होना था, इमोर्टलिटी, राइट, इमोर्टल होना था उनको, उनको जीना था, मतलब कोई अंत ना कर सके, उनको मार ना सके, इसलिए उनको अमृत चाहिए था. एंड यहाँ पे क्या हुआ, देवताओं को मिल गया. सो देवताएं अब अमर हो गए. बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, हर वक्त देवता लोग क्या होता है, एक डर में रहते हैं. किसका डर? आज ये आक्रमण कर रहे हैं, आज वो आक्रमण कर रहे हैं. एंड दे आर रनिंग, दे आर रनिंग. इंद्र यहां से अपना राज्य छोड़ के भाग रहे हैं, ये वो. व्हाई व्हाई भाई, आप तो अमर नहीं सकते ना, आप तो अमर हो ना, आपने तो अमृत पी लिया, फिर आपको डर क्यों है, आपको डर क्यों है? एंड देन आचार्य गण सुंदर समझाते हैं. एंड हियर इज द गोपाल्स ऑफ वृंदावन. ये गोपालक है. आपको पता है आघासुर लीला में ऐसा कहीं नहीं था कि उनको पता नहीं था कि ये कोई एक केव है. आचार्यगण समझाते हैं, मतलब इस लीला के माध्यम से आचार्य बताते हैं कि उनको पता था, दे न्यू कि इट वॉज आघासुर, ये एक डीमन है, दे न्यू इट. एंड देन दे आर डिस्कसिंग अमंग themselves, खुद में डिस्कस कर, चलो ना कुछ नहीं होगा, थोड़े देर बाद तो आएंगे कृष्णा, हमको बचा लेंगे, निकल जाएंगे, अच्छा है, ये भी मरेगा, इसका भी उद्धार होगा, हम मजे करके आ जाएंगे. चलो एडवेंचरस हम जाते हैं ना, कभी कभी रिस्क लेते हैं कि नहीं, हम भी लेते हैं ना भौतिक जगत के. यू नो अभी हम रिसेंटली वी वेंट टू ऋषिकेश एंड हरिद्वार एंड हिमालय की तरफ हम थोड़ा गए थे. एंड वहां पे देयर वाज दिस कपल एंड एक औरत बैठी हुई थी चेयर पे बाहर. एंड हिमालय का सामने एकदम कैंप था वो. एंड
सुंदर हिमालयों का एकदम अद्भुत दृश्य था एंड हम तब बस पहुंचे ही थे एंड आई सॉ हर, उनका हाथ जो था ना वो प्लास्टर प्लास्टर किया हुआ था, हाथ टूट जाने पर प्लास्टर करते हैं ना वो, एंड यहाँ पे पट्टी लगी हुई थी, ये फेस पे पट्टी लगा हुआ था एंड हाथ टूटा हुआ था एंड बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी. तो आई वॉज वंडरिंग कि यार ये क्या है, ये मतलब बेवकूफ है क्या आप, हम हाथ पाव तोड़ के कहीं घूमने जाएंगे क्या, मूड ही नहीं होगा घूमने जाने का, राइट? यहाँ पे पट्टी लगी हुई है, हाथ में बैंडेज किया हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, क्या फोटो भी नहीं खींच सकते ढंग से अपना. सो नहीं, वी अवॉइड. तो मैं अपने प्रभु जी को बोल रही थी कि पता नहीं ऐसे ऐसे करके कैसे घूमने आ गए इतने ऊपर, ये वो क्या मजा मिलेगा उनको ऐसे यहाँ पे घूम के. सो बोल के मैं अंदर चली गई एंड देन थोड़ी देर बाद मेरे प्रभु जी आते हैं एंड ही सेड कि तुमको पता है उनको क्या हुआ है. मैं कहा नहीं, दिखा तो, प्लास्टर लगा हुआ है, हाथ टूट गई होगी और तो क्या, एंड यहाँ पे कुछ पट्टी लगी थी. ही सेड देन माय प्रभु जी इज टेलिंग मी दे वेंट टू ऋषिकेश. ये कपल जो थे पहले ऋषिकेश गए थे एंड ऋषिकेश में, ऋषिकेश इज फेमस नॉट फॉर तपस्या, इट इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग, इट इज फेमस फॉर बंजी जंपिंग. ओके, ये है ऋषिकेश की महिमा इन दिस कलियुगा, राफ्टिंग. यस राइट अंशुमान प्रभु, सो इट इज फेमस फॉर राफ्टिंग. सो दिस माता जी ऑल्सो वेंट, ऑफकोर्स ये जो लेडी थी वो गई थी राफ्टिंग के लिए एंड बड़े बड़े वो बोट्स होते हैं ना एंड वो लेके जा रहे थे राफ्टिंग के लिए, किया नहीं था अभी तक. ओके, राफ्टिंग के लिए जा रहे थे एंड वो जब बड़े बोट्स लेके जाते ना उनको दिखता नहीं है ना, बस वो बोलते रहते हट जाओ सामने से एंड फिर वो डालते हैं रिवर में, ऐसे फेंकते हैं गंगा में. एंड उस जैसे उन्होंने डाला तो वो वहां पे हट गई थी, बट कुछ कारण से उतना नहीं हटी थी शायद जितना हटना था, वो बोट उनसे टकराया एंड टकराया एंड वो गिर गई, नीचे गिर गई, हिली एरिया है ना थोड़ा, वो नीचे गिरी एंड जैसे ही वो गिरी उनका हार्ट टूटा एंड यहाँ से शी स्टार्टेड ब्लीडिंग. यहाँ पे उनको कुछ स्टिचेस आ गए एंड हाथ प्लास्टर हो गए, ना तो राफ्टिंग कर पाई एंड ये जो पूरा आगे का जो ये जर्नी था शॉकिंग. सो ऐसा नहीं है कि हाथ वाथ तोड़ के वो आई थी जैसा मैं सोच रही थी, वो इस टूर में आई थी एंड इसमें ही ऐसा हो गया. सो वी टेक रिस्क, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क है ना, बट हमको मजा आता है इसलिए हम रिस्क लेते हैं. सो यहाँ पे भी गोपाल, ये जो गोपगण है ये क्या कर रहा है, ये भी रिस्क लेने जा रहे हैं, बट इनकी एश्योरिटी कौन दे रहा है, कृष्ण, कि एक बाल भी बाका नहीं होगा, एक बाल भी बाका नहीं होगा. सो यहाँ पे कृष्ण को देखते हुए वो जो होते आ जाएगा, बस अंदर घुस के देखते हैं मजा आएगा, फिर थोड़ा जैसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो चिल्लाएंगे, बस एक पुकार की तो देर है, कृष्ण तो भागते हुए आएंगे हमें बचाने. That was the confidence. Now आचार्यगण, they are writing, this is called immortality. ये होता है, ये अमृत पी के तो इमोर्टल बन गए, अमर बन गए, फिर भी भय है, हर क्षण भय है, कहां से कोई भी अटैक कर सकता है. हाँ, एवरी टाइम ही इज इन अ फियरफुल मूड. इंद्र डर है ना, हर वक्त डर है उनको, कोई गद्दी छीन लेगा, ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ऐसा लगता है उनको. बट यहाँ पे जो गोपगण है उनको कोई डर ही नहीं है. दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये है भक्ति. इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, भाड़ में जाए दुनिया, क्या कौन क्या उखाड़ लेगा. सो दिस इज दैट एंड श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस. आज आप इस मिशन को देखो, अभी बहुत सरल लगता है, अभी बहुत सरल हो गया है, बट सी व्हेन प्रभुपाद गेव दिस एंटायर एम्पायर टू हिज डिवोटीज, हिज डिसाइपल्स, सी द लाइफ ऑफ जयपताका महाराज, जब वो कलकत्ता में आए थे, ये सब तो फॉरेनर्स. जब भी आप जयपताका महाराज से के मुख से सुनोगे ना उनके ये किस तरह से उन्होंने मायापुर का ये पूरा सब कुछ स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, एकदम फॉरेस्ट जैसा लैंड था, कुछ भी नहीं था, खेती वेती. ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट स्नेक्स, हमेशा उनके मुख से यहाँ सांप निकल गया, वहां से सांप, ये वो. जस्ट इमेजिन उस सिचुएशन, वैसे जगह पे वो रह रहे थे. डू यू नो जब भक्तों को अफ्रीका में भेजा गया था,
वॉज अ टाइम जब 11 ब्रह्मचारी, एक माता जी भी थी उसमें, दे वर शॉट डेड, शॉट डेड, ऐसे खड़े करके लाइन में शुंड 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 खत्म कर दिया डिवोटीज जस्ट बिकॉज दे वर डूइंग प्रचार. ऑफ कोर्स दे हैव ऑल गॉन बैक टू गॉडहेड, नो डाउट इन दैट. उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस मिशन के लिए. हैव यू हर्ड अबाउट द सॉल्टेड ब्रेड बुक? आपने पढ़ा है? पढ़िए कभी. रशिया में क्या हुआ, किस तरह से भक्तों ने अपना जीवन दे दिया प्रचार के लिए, कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए. जर्मनी में एथीस्ट भरे हुए थे, अभी भी है ऑफ कोर्स, बट किस तरह से उन्होंने यू नो, फिर भी दे जस्ट डिड इट. आपको हम कुछ नहीं बोलते हैं, आपको हम नहीं बोल रहे हैं, हम कोई ऐसे जगह जाओ वहां पे गोली वहां चलेंगी, आपसे हम इतना ही कहते हैं जाओ एटलीस्ट रास्ते में तो निकलो, बाहर तो निकलो, संकीर्तन में जुड़ो तो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो तो, रास्ते में जाने बोल रहे, इतना ही रिस्क ले लो बस, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई मुंह पे दो चार गालियां देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको एकदम यू नो डिग्रेडेड फील करवाएंगे. व्हाट आर यू डूइंग? यू लुक एजुकेटेड, आप बुक बेच रहे हो, कितना मिलता है आपको? इस तरह का कुछ डायलॉग मार देंगे? इतना सा भी हम अगर नहीं कर सकते कृष्ण के लिए तो क्या कहें? फिर तो हमारी वाह वाह है. कृष्ण नहीं सोचते हैं, कृष्ण एक भक्त को बचाने के लिए एक नरसिंह रूप ले लिया कृष्ण ने. क्या रूप था वो? बहुत सुंदर. एवरीबडी सेड वाव, सो ब्यूटिफुल. नो, नोबडी अप्रिशिएटेड. सबको डर लग रहा था उस चेहरे से, बट कृष्ण ने लिया ना वो अवतार. किस लिए भाई? एक भक्त को बचाने के लिए, सिर्फ एक के लिए. ऐसा नहीं कि यार एक के लिए क्या जाए, क्योंकि हम बोलते ना एक ही तो है, कहीं क्राउड होगा ना वहां पे जाके थोड़ा कीर्तन करेंगे, ये करेंगे. एक एक के लिए क्या करेंगे, एक को क्या देने जाऊं, थोड़ा ज्यादा लोगों तो थोड़ा बोलूं. आज तो 10 ही लोग आए हैं, क्या लेक्चर दूं? माता जी बुक रीडिंग में कोई आता ही नहीं है, क्या बुक रीडिंग करूं? 2-3 ही आते हैं, कैंसिल कर दूं क्या? व्हाई? भक्ति सिद्धांत ठाकुर से अगर कोई नहीं आता है, दीवारों को प्रीच करो. Sit down and just talk whatever you heard from the lecture. और हम क्या 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 रूप नहीं लिया भगवान ने? शुकर अवतार, बहुत बहुत अच्छा रूप है क्या सुअर का? बट लिया ना पृथ्वी के लिए. That much how Krishna loves us. कुछ भी कर सकते हैं कृष्णा, कुछ भी अपना रूप ले सकते हैं. हम एक बुक प्रचार नहीं कर सकते, हम जाके बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज हमारा ईगो आ जाता है. हमें अगर किसी ने टोक दिया, शर्म आती है मुझे, बोल नहीं पाती हूं मैं ज्यादा, तो बोलो. किसने मना किया तो बोलो, सीखो बोलना. बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. We do not realize that. We do not realize. So yes, sorry. हम आगे बढ़ते हैं अब श्लोकों में. So now again, Krishna आगे बता. Sorry, Arjun is saying हमें तृप्त. So रुचि की बात कर रही है यहाँ पे भगवान. So यहाँ पे रुचि कब आएगी? जब हमें कृपा मिलेगा. और रुचि कब होगा? ये सब कृपा कब मिलेगा हमें? जब हम सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे, तब हमें कृष्ण कृपा देंगे. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड तब हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा. चैंटिंग करते हैं, कर रहे हैं ना कुछ कुछ भक्त, 10 साल 20 साल. गुरु महाराज लोगों को देखो, कितने साल, 50 साल से हरि नाम ले रहे हैं. 50वां साल होगा गुरु महाराज का ये, उनको हर नाम लिए हुए 50 साल. कैन यू इमेजिन, 50 साल हो जाएंगे उनकी दीक्षा को. सो 50 साल से कोई हरिनाम नहीं रख, लगता है कि बोर हो गए. क्या हमको लगता है कभी कभी, आर वी बोर्ड चैंटिंग द सेम मंत्र एवरी डे? हर दिन एक ही तो मंत्र लेते हो, कोई अलग देते हैं क्या हम आपको? आज के जपा में हम आपसे नया मंत्र शेयर करेंगे, प्लीज ज्वाइन अस. No, you are chanting the same mantra.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाई फिर भी बोर क्यों नहीं हो रहे? पर कभी कभी भक्त बोर हो जाते हैं, मतलब रुचि चली गई है। कभी कभी सुनते हैं ना, 16 माला करते थे माता जी, अब 2 ही हो गया है, रुचि जा रही है। मतलब क्या है? सेवा नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो रही है। एंड जब सेवा नहीं होगी तो कृपा नहीं मिलेगी, रुचि कम हो जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेवा से जुड़े रहें। सेवा करना है, किसी भी रूप में सेवा करते रहो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हम ये करेंगे तो रुचि और ऑटोमेटिकली डेवलप हो। एवरी डे यू विल फील कि आज एक अलग अनुभूति हुई है चैंटिंग करके, आज अलग आनंद आया है, आज का चैंटिंग बहुत अच्छा था। अनुभव देंगे भगवान, यू नो श्रीमती राधा रानी इतना प्रेम है। ये तभी होता है जब हम प्रेम करते हैं किसी से। राधा रानी यूज्ड टू सी कृष्णा एवरी डे, हर दिन देखती थी, पर हर दिन बोलती थी आज कुछ अलग लग रहे हैं, कौन है ये, कौन है? अपने सखियों को बोलती हूँ, कौन है ये? वही कृष्णा है, आज कुछ अलग लग रहे हैं। कुछ अलग बात नहीं है इसमें, भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कभी सुना है ऐसे बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना, आज तो कुछ अलग ही लग रही हो, आज तो कुछ अलग बात है, आज क्या लग रही हो, डायलॉग होते हैं ना सेम। क्यों बोल रहे हैं हर, अरे रोज तो आ रही है 2-3 घंटे तुमसे, वही तो वही लड़की है आए, पर फिर भी क्यों आज तो अलग लग रही हो, क्या बात है, क्या लग रही हो? क्यों? क्योंकि प्रेम है, हर दिन अलग लगते हैं। तो राधा रानी का ऐसा प्रेम है, हमें भी हर दिन अलग लगना चाहिए, एक अलग अनुभव होना चाहिए जब हम मंत्र जपते हैं। क्यों? इट इज कनेक्शन विद कृष्णा। आप कृष्ण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। सो देन कृष्णा इज सेइंग हियर कि श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं, दिस इज 19 श्लोका, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। एक झलक दिखाऊंगा, नॉट इवन झलक, एक्चुअली झलक भी नहीं बोल सकते, क्या ही बोले, मतलब जस्ट इमेजिन अनंत शेष, अनंत समय से उनका व्याख्यान कर रहे हैं पर खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे कि ठीक है थोड़ा बहुत एक झलक दिखाता हूं, ऐसा इतना कर सकता हूं, चलो। सो दिस इज नाउ कृष्णा इज स्टार्टिंग। सो क्यों झलक दिखाना है? क्योंकि मेरा तो असीम है भाई, तुम समझ भी नहीं पाओगे और मैं उतना बता भी नहीं पाऊंगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सामने दुर्योधन खड़ा है शस्त्र लेके, सुनते ही रहोगे तो युद्ध कब करोगे? सो फटाफट एक झलक सुन लो और फिर युद्ध में लग जाओ, मतलब सेवा में लग जाओ। सो नाउ मानसी प्रिया माता जी, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। नाउ वील जस्ट रन थ्रू, ओके? और सिर्फ अगर पढ़ना नहीं है ना, थोड़ा जूम कर दीजिए माता जी, अगर पढ़ना नहीं है तो आंख बंद करके सुनते रहो। श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, ये ऑफ कोर्स प्रेमी भक्तों के लिए भी है, क्योंकि उससे प्रेम बढ़ेगा भगवान के बारे में जितना सुनेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर नॉन डिवोटीज भी है ना, हियरिंग दिस दी श्लोकास, दे विल बी कन्विंस्ड, दे आर कन्विंस्ड कि ये भगवान ही हो सकते हैं। सो आंख बंद करें, इसका आनंद उठाएं, या तो अगर सुनना उतना नहीं है, अगर आपको पढ़ना भी है तो स्क्रीन में शेयर्ड है, यू कैन सी एंड रीड योर सेल्फ ऑल्सो। सो अगर प्रेम करना है भगवान से, सो इसको सुनिए और अपना प्रेम बढ़ाइए। सो नाउ 20th वर्स, आई जस्ट स्टार्ट नाउ, ओके? हे अर्जुन, वेट जस्ट अ सेकंड, यस। सो हे अर्जुन, मैं बस ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, ओके? हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। मैं नेक्स्ट श्लोक, मैं आदित्यों में, माता जी आप भी इसको रीड करते जाओ और मेरे अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट करते जाइएगा। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य,
मारुतों में मारीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं. सो हियर कृष्णा स्टेटिंग कि मैं चंद्रमा क्या है, इज अ स्टार. एंड मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूं. इंद्रियों में मन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे जीवन का. क्या क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, माता जी मन को कैसे कंट्रोल करें, मन मन. सो इस मन, मन है कौन, मन इज कृष्णा. मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड मोस्ट सब में यहाँ पे यू विल रियलाइज, यू विल कीप रियलाइजिंग इन ईच एंड एवरी श्लोका दैट हर एक जगह पे कृष्णा इज शोइंग हिज लीडरशिप. कृष्णा अपना लीडरशिप दिखा रहे हैं हर एक स्थान पे. ही इज द सुप्रीम, यू विल अंडरस्टैंड. चेतना खत्म, हम खत्म, कॉन्शियसनेस एवरीथिंग. एंड यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही जीवन शक्ति, मैं चेतना हूं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों यथा तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता, यक्षों सॉरी और मैं कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं. मेरु इज सॉलिड गोल्ड. कभी देखा है आपने गोल्ड का पर्वत, इट इज लाइक दैट. मेरु इज सॉलिड गोल्ड. यू नो हम अगर देखेंगे तो आपने कभी कार्टून चैनल्स देखे हैं, जैसे बचपन में हम कार्टून देखते थे ना, तो सामने एक डोनाल्ड डक वाला कार्टून मैं देखती थी बचपन में. सो ऐसे सामने एकदम सोने का खान निकल जाता था एंड वहां पे वो देखते थे कि अच्छा इतना सारा सोना एंड ऐसे आंखों आंख देख आंख ऐसे पॉप आउट हो जाते हैं उनके, कार्टून में दिखाते हैं ऐसे पॉप आउट एंड धर 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 करके फिर डॉलर का साइन. Have you seen that? So उस तरह से हमारी अवस्था हो जाएगी. That beautiful and that amazing is मेरु पर्वत. And who is it? भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मैं हूँ. हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो. मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ. So कार्तिकेय कौन है, जब दानव एंड इन्होंने जब अटैक कर लिया था देवताओं पे से, दे ऑल केम टू शिवा एंड शिव जी प्लीज बचाइए. शिव अब समाधि में है, ध्यान में है. एंड देन दे वेंट टू पार्वती, माता को बोला कि आप कुछ करो. एंड देन पार्वती वेंट टू शिवा अगेन एंड देन उनके शक्ति से कार्तिकेय का जन्म होता है. एंड देन सो ही इज लाइक ही सेइंग, मैं ही कार्तिकेय हूँ. मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ. सो व्हेन वी वेंट टू सी द हिमालयस, हम बार बार मतलब वी वर सो ऑस्टक, माय गॉड इतना ब्यूटीफुल. एंड हम बार बार वही यही श्लोक याद कर रहे थे कि कैसे भगवान ने कहा था कि मैं समस्त अचलों में हिमालय हूँ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कुछ भी देखो आप ये याद करो, एवरीथिंग जो भी कभी कभी होता है ना, हम सेल्फी लेते हैं या कुछ फोटो शूट करते हैं, वी सी वाओ सो ब्यूटीफुल. ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो ब्यूटीफुल आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ कृष्ण का ही असीम असीम में से एक झलक है. मतलब एक जिस्ट भी, मतलब एक छोटा सा कण भी नहीं बोल सकते, इतना इतना छोटा है ये, अणु से भी छोटा. सो यहाँ पे दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर डिवोटीज. Why? जो आपको बोलेंगे ना कोई कि कहाँ लिखा है भगवान ये जब बस नाम ही जब करते रहते हो. सी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त जप हूं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जब अजामिल को भगवान सॉरी अजामिल को यमदूत लेने आए थे तो अजामिल ने क्या किया था, यज्ञ करने बैठे थे, दान करने चले गए थे, है ना. नहीं, क्या किया था, राधा माता जी चिल्लाया था, पुकारा था, राइट. किसको पुकारा, मानसी प्रिया माता जी उनको पुकारा. नो रत्नावली, नो ही सेड नारायण नारायण. ऑफ कोर्स ही वाज कॉलिंग हिज सन नारायण, बट भगवान को चिंता थी. जाओ भागो विष्णु दूत, क्या कर रहे हो, भागो बचाओ मेरा अजामिल को. सो नाउ व्हेन अजामिल को बचाने विष्णु दूत आए, सो इन्होंने कहा कि नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते, नॉट पॉसिबल. सो इसने नाम पुकारा है.
सो देन वहां पे तर्क करते हैं यमदूत, क्या बोलते हैं, दान किया है क्या कोई, कि कोई चैरिटी की है, मतलब दान किया है या फिर कोई यज्ञ किया है जो इसका कुछ पुण्य होगा, नाम ही तो लिया है बस, जप ही तो किया है, तो छोड़ दें। एंड देन द विष्णु दूता सेड कि डू यू इवन अंडरस्टैंड, वहां पे उन्होंने एक लेक्चर दिया है भागवतम में हम देखते हैं। सो देयर विष्णु दूता उनको बोलते हैं कि जब भगवान का नाम जब तक इन दान और यज्ञ में ना उच्चारण हो तब तक ये सब भी व्यर्थ है, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यदि भगवान का नाम ना हो उसमें। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एंड देन ही इज सेइंग कि इसलिए मैं उस मैं नाम कीर्तन जप हूं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत वृक्ष हूं। व्हाट इज दैट अश्वत वृक्ष, बरगद का पेड़, ओके। और देव ऋषियों में नारद हूं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं, घोड़ों में मुझे उच्चेश्वा मानो जानो, उच्चेश्वा रथ सॉरी ये घोड़ा समुद्र मंथन में ही ये इनका ये प्रकट हुए थे। एंड आगे जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, ऐरावत भी ऑफकोर्स मंथन से ही निकले थे, एंड तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तोड़ देखो भगवान का, मनुष्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता, हम बस सोचते ही रह जाएंगे। भगवान का आंसर देखो, राजा हूं, राजा इज द टॉप मोस्ट। कैन यू इमेजिन द वे ही इज आंसरिंग, आप कभी मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब हम सोचते ही रह जाएंगे एंड ही इज जस्ट गिविंग द एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। मैं कभी कभी बोलती हूँ डिवोटीज को कि जीवन में ना कभी लगेगा कि यार इतना चाहिए था, तो कभी भी देखोगे ना या तो ज्यादा मिल जाएगा या तो कम मिलेगा, बट कृष्ण जब देते हैं ना तो परफेक्ट देते हैं, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट होता है। द आंसर ही इज गिविंग इज परफेक्ट, इज परफेक्ट। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र हथियार में वज्र हूँ, ये वज्र क्या है, इंद्र का थंडर बोल्ट गिरा था। हैव यू सीन, आपने कभी देखा था हरिद्वार का क्या अवस्था हुआ था, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया था। मैं रिसेंटली हरिद्वार साई हूँ, इसलिए यू नो हाउ इट वाज जस्ट एवरीथिंग, सब कुछ तहस नहस। उत्तराखंड में जब ये हुआ था सब कुछ बर्बाद हो गया था, बर्बाद हो गया था, एक थंडर बोल्ट एक वज्र गिरा एंड सब कुछ खत्म। एंड कौन है वो, जस्ट इज सेइंग वो मैं हूँ। सो एंड यू नो जब ये सब हुआ था मोस्ट ऑफ द टाइम भगी सी वहां पे भी मंदिर बच गया था, मंदिर के अलावा सब कुछ खत्म हो गया था। भगवान ने अपना मंदिर बचा लिया, हाँ तो भगवान सिंबल दे रहे हैं ना, इंडिकेटिंग, ही इज इंडिकेटिंग दैट मंदिर, मंदिर में जाके रहो, वो है वो स्थान है जो सबसे सिक्योर्ड है, या तो मंदिर में जाके रह नहीं सकते या तो फिर अपने घर को मंदिर बनाओ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सो दैट इज हिज इंडिकेशन। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। He is everything। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। अब दैत्यों में भी आप सोचते ही रह जाओगे यार, कौन सा दैत्य कौन सा, See how simple, प्रहलाद, प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था, दैत्य कुल में ना। दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं क्या क्या पीकॉक गरुड़ हूं। सो आई मीन सीरियसली जब पढ़ो ना कोई भी मान लेगा कि ऐसा आंसर तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं।
हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं, मैं समस्त विद्याओं में, केमिस्ट्री बायोलॉजी व्हाट, आध्यात्म विद्या हूं, आध्यात्म विद्या हूं, तथा तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूं, दैट इज द फाइनल डिसीजन। तर्क करते रहो, द फाइनल डिसीजन है वो मैं हूं। लग रहा है कि नहीं आपको, क्या आंसर है यार, क्या आंसर है, 10/10। आध्यात्म विद्या, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रवीण कुमार प्रभु जी। सो फाइनल डिसीजन, अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और शष्टाओं में ब्रह्मा हूं, एंड मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं, मतलब आगे होने वालों को उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूँ, स्त्रियों में मैं ही कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। ये दीज आर पर्सनालिटीज ऑल्सो, एंड ये साथ ये गुण भी है जो एक स्त्री में होना चाहिए। इस ये सब कौन है, ये सब भगवान बोलते हैं, ये मैं ही हूं। मैं सामवेद में के गीतों में, ये जैसे भगवान ने पहले कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं, एंड नाउ ही इज अगेन सेइंग सामवेद में भी गीतों में मैं बृहत साम हूं, और छंदों में मैं गायत्री हूं, समस्त महीनों में मैं माघशेष, अर्थात जो कार्तिक के बाद जिस समय में जो बाद में आता है कार्तिक के जस्ट नेक्स्ट जो मंथ होता है वो मार्गशेष होता है, एंड ये वो मार्गशेष है जहाँ पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, वृष्णिवंशी में लीडर कौन था, वासुदेव, he's saying वो मैं हूँ, and पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशान हूँ, उशान कौन, शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, he's saying वो मैं हूँ, अराजकता करता में को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूं। यहाँ पे भगवान एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, जो विजय में के आकांक्षी है, ग्रीड है, क्या जीतना है विजय में, बट जीतो पर नीति पूर्वक जीतो, ऐसा नहीं कि छल से जीत रहे हो। सो हियर ही इज सेइंग जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं, जस्ट इमेजिन हिज आंसर्स, रहस्यों में मैं मौन हूं, साइलेंस, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं, यही नहीं हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, केवल संकेत मात्र है, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी स्त्री सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, ये सब कुछ जो प्रकट होता है बस मेरा बस एक दृष्टि मात्र है, समझो, इट इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग। सो हर एक चीज भगवान है, एंड द लास्ट श्लोक का, सो यहाँ पे ना आई जस्ट एड समथिंग एंड वील जस्ट कंक्लूड विद द लास्ट श्लोका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो भगवान अर्जुन, भागवतम में ये वर्णन है, जब भगवान अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर को कहते हैं कि कृष्ण हैज गॉन बैक
टू गॉडहेड, वो अपने धाम लौट चुके हैं। अब अर्जुन इतने सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, एंड ही इज क्राइंग, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स जब युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि भगवान अपने धाम लौट गए हैं, दे डिसाइड कि अब हमारा हम क्यों रहे, फिर हम भी इमीडिएटली ही टेक्स द डिसीजन, वी विल आल्सो जस्ट लीव। सो अर्जुन वहां पे आके बोलते हैं, he's describing and finally वो बोलते हैं कि वो चले गए हैं। कौन चले गए हैं? He's saying वो कृष्ण। माता जी आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते, थैंक यू सो मच। सो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण सॉरी अर्जुन बता रहे हैं कि किस तरह से कौन वो कृष्ण जिन्होंने वो कृष्ण चले गए हैं जिन्होंने जब युद्ध भूमि में जब बाण चल रही थी, यू नो अर्जुन इज सेइंग कि कृष्ण केवल कृष्ण की दृष्टि मात्र से, अगर सामने वाला व्यक्ति 100 साल और जीने वाला है, कृष्ण क्या करते थे, केवल अपने दृष्टि मात्र से उनकी आयु को कुछ सेकंड्स के लिए कर देते थे। क्या? कुछ सेकंड्स के लिए। ऑलरेडी उनकी आयु घटा दी कृष्ण ने, केवल उनके दृष्टि मात्र से उनमें शक्ति क्षीण कर देते थे, मतलब खत्म, अब लड़ने की इच्छा ही नहीं, उनमें जो एनर्जी है उसको जीरो कर देते थे केवल दृष्टि मात्र से। एंड देन उनको बोलते थे कि अब तीर चलाओ, एंड देन अर्जुन बाण मार रहे हैं, एंड फिर क्या होता है, सामने वाला खत्म, मर गया। एंड देन कृष्ण सामने है ना, कृष्ण लुक्स बैक टू अर्जुन एंड ही से गुड वेल डन। एंड जस्ट इमेजिन द एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ अर्जुना, ही इज रिवीलिंग दैट टू युधिष्ठिर महाराज कि मतलब मैं कुछ नहीं करता था, सब कुछ कृष्ण किए, वो कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं, वो कृष्ण लौट गए हैं, कुछ नहीं, मतलब भगवान शास्त्र बताता है अगर आपने लस्टी डिजायर्स बहुत है ना, काम बहुत है, अगर कृष्ण बताते हैं, शास्त्र बताता है केवल आप अगर कृष्ण के आईब्रोज, ये जो आईब्रोज है ना, उस पे आप अगर मेडिटेट करते हो, इस पे, दिस इज इन फर्स्ट कैंटो, जो आप जो आईब्रोज पे मेडिटेट करोगे ना केवल, तो आपके सारे लस्टी डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, केवल उनके आईब्रोज पे मेडिटेट करना। उसी प्रकार से राधा रानी, किसी को अगर बहुत भय है, डर है, फियर होता है ना बहुत चीजों का हो सकता है, केवल राधा रानी के जो हाथ है ना, हाथ ऐसे देखे हो ना, कभी यहाँ ऐसे रखती है राधा रानी, कभी ऐसे रखती है, या कभी वो हाथ पे मेडिटेट करोगे ना तो आपका सारा भय दूर हो जाता है। अगर पूरे कृष्ण के ऊपर चिंतन करते रहो, आईब्रोज पे मेडिटेट करो, तो लस्ट डिजायर्स दूर हो जाते हैं, एंड राधा रानी के हाथ पे मेडिटेट करो तो भय दूर हो जाता है, तो उन दोनों पे मेडिटेट करते रहो, एक दिन ये शरीर गायब हो जाएगा, अर्थात आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। ये शरीर का क्या करना है, ये शरीर भी गायब होके आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, केवल मेडिटेट करते रहे। सो दैट कृष्ण हैज लेट, सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, यहाँ पे अर्जुन बताते हैं। एंड लास्ट में ही सेइंग, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। सो ही सेइंग कि इसका आवश्यकता क्या है, इतना सुन तो ली, इसका आवश्यकता क्या है, मतलब आपको हमें लग सकता है कि इतने डिटेल्स की क्या जरूरत है, मतलब भगवान ऐसे टाइम पास कर रहे थे, बोला ही क्यों फिर भगवान आपने, जब अब लास्ट में बोल रहे हो कि आवश्यकता ही क्या है। मीनिंग इज कि आप सुनो, आपने सुन लिया, गुड सुनो, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये समझो कि ये सब अंश मात्र है, झलक है बस, बाकी तो असीम है मेरा, सब कुछ मैं ही हूं समझो, बट ये सब समझ के क्या करो, सेवा में लगो, सेवा में युद्ध करो, मेरी सेवा में लगो, मैं जो चाहता हूं तुमसे वो करो, अल्टीमेटली
सेवा सब कुछ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. सो सब कुछ, ये सारी जो विभूतियां हैं जो यहाँ पे भगवान समझाए हैं, ये सब एक झलक आपको समझ में आई होगी. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड द पर्पट जो श्रील प्रभुपाद ने कहा. ये सारे विभूतियों को आप पढ़ो घर बैठ के, 20th श्लोक टू लास्ट श्लोक 42, एंड इन सबको अच्छे से पढ़ो. बाकी you'll understand more and then कि ultimately भगवान ये सब कहने के बाद भी यही कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, सब कुछ सही है, ये सब जान के तुम पर्पस क्या है, मुझसे प्रेम करो और मेरी सेवा में लग जाओ. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ हमने जब ये सारी विभूतियां पढ़ी, हमने क्या देखा, सब में बेस्ट जो है वो कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं. सारे ऑपुलेंसेस में जो बेस्ट है वो बस पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, ये इसको बेस्ट मानते हो, ये भी मैं, इसको ये भी मैं, इसको ये भी मैं. तो हमारे जीवन में भी कभी कभी क्या होता है, हम भी कुछ कुछ सोचते हैं ना, ये बेस्ट है, ये बेकार है. हम भी कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं, हमारे जीवन में ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. सो नाउ प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, हम जब भगवान से मांगने बैठते हैं तो हमको लगता है हमारे जीवन में भी भगवान बेस्ट ही देंगे, है ना, हमारे जीवन में भी भगवान बेस्ट देंगे. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, वेन एवर यू आर प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा वही करेंगे आपके साथ जो आपके लिए फेवरेबल हो. कृष्णा आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए फेवरेबल हो. बट जरूरी नहीं है कि वो प्लेजेंट भी होगा. फेवरेबल अर्थात क्या, आपके लिए जो सबसे अच्छा है वही करेंगे कृष्णा, बट प्लेजेंट हो जरूरी नहीं, अर्थात वो चीज आपको आनंद दे वो जरूरी नहीं है. तो कभी हम रोते ना, मेरे साथी क्यों माता जी, मेरे साथी क्यों, व्हाई मी. So it is not pleasant, but Krishna, whatever he is doing, it is going to favor you. It is for your favor. Understood? एक last कथा के साथ I'll end. बड़ी नहीं है, don't worry. पुराणों में ये कथा आती है. पुराणों में ये कथा आती है. एक बार नारद मुनि एक दो भक्त से मिलते हैं. एक बूढ़ी है, एक बूढ़ी वृद्ध ब्राह्मण है, मतलब बूढ़ी वृद्ध स्त्री है, कुछ है नहीं, एकदम निर्धन है. बस एक गाय है उसके पास, बस वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, दूध इसका ध्यान रखती है, उससे जो दूध आता है उसको बेचती है, उससे भगवान की सेवा हुआ उसका वो करना. और एक रिच डिवोटी, मतलब राजा है वहां का, बट ही इज अ डिवोटी, भक्त है बहुत अच्छा. सो नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं एंड बोलते हैं, दोनों को कुछ बेनिडिक्शन दीजिए प्रभु, इन दोनों पे कुछ आशीर्वाद बरसाओ. So, भगवान बोलते बिल्कुल नारद, तुमने कहा तो बिल्कुल करूंगा. सो बेनेडिक्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं. नारद मुनि देखने जाते हैं क्या हुआ, कुछ बेनेडिक्शन कैसा क्या दिया. देखा तो ये जो धनी व्यक्ति है उसको और धन दिया, ये जो भक्त था धनी भक्त इसको और धन मिला, और ये जो अब ये जो वृद्ध स्त्री के पास जाते हैं तो देखते कि इसकी जो एकमात्र जो गाय थी वो भी मर गई, वो अब मर गई. अब नारद कंफ्यूज्ड भागते हैं वापस वैकुंठ, बोलते प्रभु ये क्या किया, बेनेडिक्शन देने को बोला था ये क्या कर दिया, एक को तो धन दिया, एक की एकमात्र जो सोर्स ऑफ इनकम या जो भी था वो एकमात्र सहारा उसको भी छीन लिया, गाय को ही मार डाला. तो वो बोलते तुमने ही तो बोला था, तो मैं समझा नहीं प्रभु कैसे बेनेडिक्शन कैसे हुआ. एंड देन कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट धनी व्यक्ति जो राजा है उसके पास जो धन था वो मेरे पे ही खर्चा करता है, वो मेरे ही सेवा में लगाता रहता है, मेरे ऊपर ही. सो आई नो मोर आई गिव हिम ही यूज द सेम धन इन माय सेवा ओनली, और बढ़ाएगा और प्रचार करेगा और सब कुछ करेगा, राइट. एंड इसका क्या, ये इसका तो समझ में आया, इसका क्या, एंड कृष्ण इज सेम, वो भी मेरे लिए ही सब कुछ करती थी बट उस गाय से थोड़ी आसक्त थी, एक ही है ना और कोई है नहीं, गाय से ही आसक्त थी. कभी कभी होता है मेरे माय बेबी, किसको, गाय को नहीं, डॉगी को बोलते हैं हम, माय बेबी माय शोना,
हम कल ही निकल रहे थे वहां से, रास्ते से हमने देखा एक स्पा स्पा देखा, स्पा फॉर डॉग्स, कुत्तों का स्पा, कुत्तों का पार्लर। आई मीन सो क्यों करते हैं, क्यों रखा है तुमने, क्यों है इतना सब कुछ? बिकॉज द डॉग इज नॉट डॉग, दैट इज देयर बेबी। हम बच्चों की शॉपिंग करने जाते हैं ना, फर्स्ट क्राई बेबी हग एंड ऑल में, सो वहां पे वो अपने बेबी की शॉपिंग करने हैं। शॉपिंग है यहाँ पे, कितने सारे बड़े बड़े शॉप हैं अहमदाबाद में, यहाँ पे कुत्तों का एकदम चकाचक बेल्ट, चकाचक एकदम जैकेट्स एंड ऑल, विंटर्स में अमेजिंग, एंड क्लिप्स एंड ऑल ऐसे हम लगाते हैं, ऐसे उनके भी एकदम क्यूट क्यूट क्लिप्स एंड माय गॉड व्हाट नॉट। सो तो अटैचमेंट था उसको उस गाय से, तो मैंने उसको छीन लिया। तो क्या हुआ, दोनों केस में दोनों कृष्ण के और एक निकट आ गए। ये गाय चली गई, अब कौन रहा जीवन में, कृष्ण ही है, अब किसी के साथ आ सकती नहीं, कृष्ण ही रच गए। और इनका तो कुछ टेंशन ही नहीं, इसको तो जितना धन मिले देना तो कृष्ण के लिए, सो फेवर है ना। बट एक के लिए प्लेजेंट था, एक के लिए अनप्लेजेंट था। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव दैट कन्विक्शन कि कृष्ण जो भी कर रहे हैं, आई ऑलवेज बिलीव दैट। मैं ऑफकोर्स उस टाइम पे जब सिचुएशन बहुत खराब हो तब समझ में नहीं आती है सब, बट आज मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जीवन से भी जो मेरे पिता चले गए, आई ऑलवेज बिलीव इट वॉज अ फेवरेबल थिंग फॉर अस। हम तीनों ही थे घर में बचे हुए और हम तीनों ही भक्ति में लग गए। सो कृष्णा क्या किए, कृष्ण ने वो हेड ऑफ फैमिली को निकाल दिया हमारे घर से, एंड हम जो उस उनपे घुसे हुए थे, हमने देखा वो ही निकल गए, तो ठीक है, we just turned our face towards Krishna. Krishna just wants that. Prabhupada ke saath kya kiya, sab kuch chheen liya and phir sab kuch de diya, pata hai ab to ye mujh pe hi sab kuch lutayega. Have that conviction, have that faith and just love Krishna. Krishna is always ready to be yours. Krishna aapke mutthi mein hai, Prabhupada bolte hain. आप कृष्ण को अपना सब कुछ दे दो और कृष्ण आपके मुट्ठी में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, आप सबकी जय। सो यस।